प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं, आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर ये नेचुरल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, मदद हो सकती है, क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करें, और एक और अपील है कि जो यहाँ के बागवान हैं और किसान हैं उनकी मदद के लिए भी जिस तरह की पॉलिसियाँ निकाल रहे हैं, जैसे आज ही मैंने पढ़ा कि शायद जो अमेरिकन सेब है उस पर 35% से 35% से 15% गिरा दिया है जो ड्यूटी है, इसका मतलब है कि उनके लिए यहाँ पे आयात करना आसान होगा तो हमारे किसानों का क्या होगा। और उसी तरह से शिमला में जो सेब की पेटियाँ हैं उनको खरीदने का जो दाम है वो कम कर दिया है कुछ बड़े उद्योगपतियों ने, इससे भी नुकसान है, पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी, कुछ लेडीज़ श्रमदान कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी जो कुछ ये बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है, कुछ रास्ते में कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना। तो सब इकट्ठे इस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और पूरे देश को इसी से सीखना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है, ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए।